दोस्त नमस्कार। आपके घर में हो महालक्ष्मी का प्रवेश, मैं हूँ देवेश। दोस्तों अभी 3 साल पहले की बात है, भारतीय कंपनी एयरटेल के जो कर्ता धर्ता है सुनील मित्तल साहब, वो भारत में बैठ के ही चाइनीज नगाड़ा बजा रहे थे। उनका कहना था कि भैया चाइनीज कंपनी जो हुआवे है उसके इक्विपमेंट बड़े शानदार होते हैं, बोले कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा उनका, हम तो भैया चीन से ही लेंगे। जाहिर है तब ये बात हम सभी को बहुत बुरी लगी थी, और हम सभी का जो पॉइंट था वो बेहद सिंपल था कि भाई साहब यदि आप भारतीय कंपनियों को मौका नहीं देंगे तो वो महान कैसे बनेंगी। आपने तो भैया शुरुआत में ही अपने मुंह में चाइनीज लॉलीपॉप ठूस ली है, आप भारतीय कंपनियों को ऑर्डर ही नहीं दोगे, मौका ही नहीं दे रहे हो, तो कैसे हमारी कंपनियां सुपीरियर बनेंगी। इसी दौरान सरकारी कंपनी BSNL भी अपने लिए 4G इक्विपमेंट खरीद रही थी। जाहिर है भारतीय कंपनियों के पास ना तो इक्विपमेंट थे ना ही टेक्नोलॉजी थी, चीन को वो ऑर्डर मिलने वाला था, लेकिन आप सभी ने विरोध किया था। भारत सरकार ने अमल किया, टेंडर को कैंसिल कर दिया, चीन के मुंह में से निवाला खींच लिया। लेकिन दोस्तों तब जो आप लोगों ने संघर्ष किया था उसकी आज सफलता देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। वही BSNL है, उसने अपना ऑर्डर दिया है 26,000 करोड़ का। TCS जो है पूरा 5G नेटवर्क तैयार करेगी और 9 सालों तक देखभाल भी करेगी। कम से कम अब TCS मैदान में आ गई है तो हम उम्मीद रख सकते हैं कि सर्विस अच्छी मिलेगी 4G की। TCS ने भारत सरकार की संस्था सी डॉट के साथ मिलकर पूरा नेटवर्क का सोल्यूशन तैयार किया है। भारत अब दुनिया के दिग्गज देशों में शामिल हो गया है जिनके पास अपना खुद का नेटवर्क है 4G वाला। आज 4G नेटवर्क बना दिया है तो कल 5G भी बना लेंगे, तो मौका दिया आज महानता सामने है। TCS ये इक्विपमेंट खरीदेगी तेजस नेटवर्क से, तेजस नेटवर्क हो या TCS हो, दोनों ही टाटा ग्रुप की कंपनियां हैं। अब हम दोनों के चार्ट का एनालिसिस करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है, TCS हमारे खुद के पास रखा है, पोर्टफोलियो का हिस्सा है। साथ में चाहे TCS हो या तेजस नेटवर्क हो, दोनों के लिए हम खरीदने बेचने की राय टिप अथवा रिकमेंडेशन नहीं दे रहे हैं। आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स में जो हमने पढ़ाया है उसका रिवीजन करने के लिए शिक्षात्मक नजरिए से हमने आज का वीडियो बनाया है, आत्मनिर्भर इन्वेस्टर्स की सुविधा के लिए। तो दोस्तों तेजस नेटवर्क का चार्ट देख लीजिए, इस पर कोई सिग्नल नहीं है खरीदारी का, लाल पे लाल कैंडल बन रही है, ऊपर जो है राउंडिंग टॉप भी दिख जाएगी बनी हुई, जबकि इतनी अच्छी खबर आई फिर भी कोई सिग्नल नहीं है। तो कारण क्या है? कारण यह है भैया इसका वैल्यूएशन भैया बहुत ज्यादा है, बहुत महंगी कंपनी है, 100-150 का PE है, वो भी नेगेटिव वाला। मुद्दे का पॉइंट यह है कि किसी ने अगर तेजस नेटवर्क के फंडामेंटल्स चेक नहीं किए हों और वो सीधा दौड़ता दौड़ता श्री चार्ट महालक्ष्मी जी की शरण में आ जाए तो उसको पता लग जाएगा कि भैया जी अभी सिग्नल नहीं है खरीदारी का। तो भैया जी खरीदारी करने के मौके कब आएंगे? तो भैया जी आप नीचे देख लीजिए गुलाबी तार को, वो सपोर्ट का काम करता है। तो देख लीजिए चार्ट महालक्ष्मी जी ने आपको अभी फंसने से बचा लिया और भविष्य का संकेत भी दे दिया। अब आप देखिए TCS का चार्ट, तो जैसे ही आज अच्छी खबर आई पब्लिक टूट पड़ी TCS पर। TCS हमारे पास भी है लेकिन हम खरीद नहीं रहे, क्यों? क्योंकि भैया जी चार्ट महालक्ष्मी जी का आदेश तो सुन लो पहले, अरे ऊपर गुलाबी तार है, गुलाबी तार की बिजली एक बार गिर चुकी है, वही गुलाबी तार है दोस्तों। ये तेजस नेटवर्क के चार्ट पर ये सपोर्ट का काम कर रहा था, यहाँ ये रुकावट का काम कर रहा है। सलीम तुम्हें मरने नहीं देगा और हम अनारकली तुम्हें जीने नहीं देंगे, वो वाला केस है, गुलाबी तार है, इसकी महिमा अपरंपार है। तो TCS के चार्ट पर महालक्ष्मी जी का आदेश यह है कि भैया थोड़ा सा रुक तो जाओ, गुलाबी तार पार करवा दो, फिर देख लेना भैया खरीदारी के हिसाब से। कहने का मतलब यह है कि न्यूज फ्लो सुनने के बाद चढ़ चढ़ के खरीदना नहीं है, निर्णय भैया जी आपको ही लेना है, आप पूरे तरह से आजाद हो, लेकिन पहले चार्ट महालक्ष्मी जी के दरबार में मत्था टेक लीजिए, उनका आदेश सुन लीजिए, फिर जैसा आपका मन हो वैसा निर्णय लीजिए। रही बात ये कि आपको चार्ट एनालिसिस, टेक्निकल फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं सीखना है तो सीख लीजिए, जिंदगी भर काम आएंगी, पैसा कमाएंगी ये कलाएं। लेकिन ध्यान दीजिए 1 जनवरी से इस कोर्स की फीस डबल करनी पड़ रही है हमें, इसलिए जल्दी से जल्दी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, क्लिक कीजिए उस पर और ज्वाइन कर लीजिए आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स। धन्यवाद, जय श्री राम।